नमस्कार, मैं हूं श्रीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिंपरी चिंचवड़ के बाकर पुलिस थाना क्षेत्र के पुलिस ने फर्जी पत्रकार का पर्दाफाश कर 8 तोला सोने के गहने बरामद करने के साथ ही वाकड़ और सांगवी पुलिस थाने में दर्ज 5 मामले भी उजागर किए हैं। इस मामले में फर्जी पत्रकार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर 2,45,000 रुपये के गहने चुराने का आरोप है। पुलिस ने इनके पास से 8 तोला सोना बरामद किया है। इनके नाम नसीम सादिक उस्मानी उम्र 35 वर्ष और मोहम्मद शराफत हुसैन उम्र 24 वर्ष है। इस मामले की जानकारी पिंपरी चिंचवड़ शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे ने पत्रकार परिषद में दी। वाकड़ पुलिस थाने के एरिया में 29 मई को एक चेन स्नैचिंग का गुनाह दर्ज हुआ था। उस गुने में आगे की इन्वेस्टिगेशन में नसीम सादिक उस्मानी और मोहम्मद शराफत हुसैन अली, इन दोनों को वाकड़ पुलिस थाने के अधिकारियों ने अरेस्ट किया और उनसे इन्वेस्टिगेशन में टोटल 5 ऑफेंसेस ओपन हुए हैं, जिसमें 82 ग्राम का 8 तोले का सोना रिकवर हुआ है, जो कि 2.5 लाख रुपये कीमत का है। और जो एक्टिवा मोपेड पे ये लोग गुने करते थे, वो एक्टिवा मोपेड भी इसमें जब्त की हुई है। पिंपरी चिंचवड़ से सुनील भोंगल, खबरदार। देखते रहिए खबरदार।